ओके व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू टेक्जी दोस्तों। इस वाले हम बात करने वाले हैं, अगर आपके पास भी एक पैन कार्ड है और उसमें आपका जन्मतिथि या फिर डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आज के इस वाले वीडियो में मैंने आपको लाइव प्रूफ ऑनलाइन तरीके से आपके पैन कार्ड में जन्मतिथि बदल कर यानी कि अपडेट करके दिखाया है। इस वाले वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के बाद आप भी खुद से अपने पैन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को यानी कि जन्मतिथि को सुधार सकते हैं या फिर उसमें करेक्शन कर सकते हैं। इसको पूरा कंप्लीट देखिए, आपको भी पूरा चीज़ ऑनलाइन करना आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं। एक छोटा सा इंट्रो बात, लेकिन दोस्तों उससे पहले बता दें यार, 99% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो यार प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है यार कि आप चैनल सब्सक्राइब करते हो वही एक हम लोग का मोटिवेशन का तरीका होता है, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, शेयर नहीं करते हो, तो यार काफ़ी ज़्यादा डीप मोटिवेशन होती है। तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं छोटे से बात, और अब आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन स्टेप बाई स्टेप करके बताते हैं, जिससे कि आप लोग खुद से अपने पैन कार्ड में अपने डेट ऑफ बर्थ को या फिर कुछ भी जितना भी आपको करेक्शन करना हो वो सारी चीज़ें आप करेक्शन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो दोस्तों, यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर, और अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पर अपने पैन कार्ड में ऑनलाइन जन्म तिथि को बदलना है यानी कि डेट ऑफ बर्थ को बदलना है। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र को। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको ऐसे सर्च करना होगा NSDL, और इस तरीके से आप सर्च करेंगे NSDL पैन, तो कुछ इस तरीके से आपके सामने ऑप्शन खुल के आएगा। ये मैं बता रहा हूँ NSDL का, जिसके पास पैन कार्ड है उनके लिए। अगर आपके पास UTI का है तो आप यहाँ पैन जो NSDL लिखा है मैंने वहाँ पर आप UTI लिख देंगे, तो आपका यहाँ पर UTI का वेबसाइट खुल के आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके से ऑप्शन खुल के आता है, और अब आपको यहाँ एप्लीकेशन टाइप में चेंजेस और करेक्शन वाला, कैटेगरी में आपको इंडिविजुअल, और यहाँ टाइटल में अगर आप महिला का चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर श्रीमती, किसी लड़की का कर रहे हैं तो कुमारी, और किसी आदमी का या लड़के कर रहे हैं तो आपको श्री चूज करना होगा। तो यहाँ पर हम श्री चूज कर लेते हैं। यहाँ पर अपना लास्ट नेम देना होगा, फर्स्ट नेम देना होगा, मिडिल नेम देना होगा, और यहाँ पर चलिए इतने में भर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने लास्ट नेम और यहाँ पर ये फर्स्ट नेम इंटर कर लिया है। अब यहाँ पर आपको जो आपका जन्मतिथि बदलना है यानी कि जो नया वाला डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इंटर करना है, नया वाला डेट ऑफ बर्थ। ध्यान रखें आपको नया वाला, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको यहीं पर जो है नया वाला डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। तो चलिए मैं नया वाला डेट ऑफ बर्थ जो है यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। तो फिर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने अपना नया वाला डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर कर लिया है, और आपको बता दूं कि अब आपको यहाँ पर अपना एक ईमेल आईडी और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना है, और फिर यहाँ पर आपको यस पे क्लिक करना है, और यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डाल के इस पे क्लिक करना है, और फिर आपको यहाँ नीचे ये वाला कैप्चा फिलअप करके यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो चलिए ये सब चीज़ें मैं कर लेता हूँ, फिर आपको डायरेक्ट बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैंने कैप्चा अपना रिफ्रेश कर लिया है, क्योंकि बहुत देरी तक आप अगर करेंगे तो आपको कैप्चा रिफ्रेश कर लेना चाहिए, और मैंने दूसरा कैप्चा एंटर करके अब जस्ट आपको यहाँ पर सबमिट कर देना होगा। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से एक आपको टोकन नंबर मिल जाएगा, इसको आपका स्क्रीनशॉट कर लेना है, फिर आपको कंटिन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अगर आपको यहाँ पर पैन कार्ड में जो आपका पहले से फ़ोटो और सिग्नेचर है, यानी कि अगर आप लोग डिजिटली करना चाहते हैं आधार से ही के वैसे, तो पहले पर रहने देंगे पेपरलेस, बाकी हम यहाँ पर दूसरा सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर भी बदलने वाला हूँ, तो यहाँ से मैं दूसरे वाले पर टिक कर लूँगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है, और फिर आपको यहाँ पर आपको पैन नंबर दिख जाएगा, और अब आपको यहाँ पर आपका लास्ट का चार अंक आधार कार्ड का डालना है। तो चलिए मैं लास्ट का चार अंक यहाँ पर डाल देता हूँ, और फिर यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नाम, और यहाँ पर आपको फिर सारी चीज़ें आगे बताते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अब आपके सामने यहाँ पर आप देखिए मैंने लास्ट का चार अंक वो डाल लिया है, नाम डाल लिया जो कि आधार कार्ड पे अवेलेबल है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन, यही नाम आप जिन्होंने जो वहाँ पर डाला है वही आपके आधार कार्ड पे, सॉरी वही आपके पैन कार्ड पे प्रिंट हो गया आएगा। और यहाँ पर अब आपको करेक्शन करना है अपने जो है कि डेट ऑफ बर्थ में, तो यहाँ देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ है, और यहाँ पर आपको टिक कर देना है। आपको मैं बता दूँ कि जिसमें भी आपको करेक्शन करना है उसके आगे आपको ऐसे टिक कर देंगे आप, तो वो जो है करेक्शन होगा उसी चीज़ का। अगर आप जैसे इस नाम वाले के ऊपर भी देखिए एक टिक का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक नहीं करेंगे तो इसमें करेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने उस पर सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पे किया। उसके बाद आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है यहाँ से, इस पर आपको टिक नहीं करना है। फिर और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर पहले से टिक रहेगा, इसको आपको ऐसे ही क्लिक कर रहने देना होगा। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपने फादर का नाम,
और आपको मदर नेम नहीं देना है, उसके बाद आपको फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पे डायरेक्ट क्लिक करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फादर नेम एंटर कर लिया है और आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। और जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ पर रेसिडेंट चूज करना होगा और यहाँ पर अब आपको वो एड्रेस देना है जहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड डिलीवर करवाना है। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने पूरा पूरा अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर लिया है। अब जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अगर आप लोग अपना एड्रेस यहाँ पर अपडेट करना चाहते हो तो यहाँ का आपको टिक कर देना है, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। अगर आप लोग अपना मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी बदलना चाहते हो तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, जैसे कि मुझे नहीं बदलना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पर जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी शो हो रहा है। अगर आपका कोई और पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अगर आपका दो तीन पैन कार्ड है तो। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आपसे आपसे ऑप्शन मांगा जाएगा, यानी कि आपको क्या क्या यहाँ पर डॉक्यूमेंट देने वाले हैं। जैसे कि मैं डेट ऑफ बर्थ बदलने के लिए अपना आधार कार्ड यूज करने वाला हूँ, तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आपको यहाँ पर आधार कार्ड ऐसे चूज कर लेना होगा। प्रूफ ऑफ एड्रेस में भी मैं आधार कार्ड चूज कर लूँगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए मैं यहाँ पर आधार कार्ड चूज कर लूँगा। तीनों चीज़ों में मैं आधार कार्ड चूज करूँगा और प्रूफ ऑफ पैन में मैं यहाँ पर कॉपी ऑफ पैन कार्ड यहाँ पर चूज कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर आप टोटल दो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आई वाले में अपना नाम यहाँ पर एंटर कर देना होगा। और अपना नाम इंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो नीचे है यहाँ पर हिम सेल्फ हर सेल्फ कर देना होगा। यहाँ पर आपको दो इंटर करना होगा क्योंकि आप दो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड। उसके बाद आपको प्लेस में यहाँ पर अपना जो घर होगा वो डाल देना होगा, जहाँ पर आपका मेन जो एड्रेस होगा। ठीक है, तो वो मैं इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि मैं फ़ोटो और सिग्नेचर भी चेंज करने वाला हूँ, तो यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो यहाँ पर जो आपको ये प्लस का बटन दिख रहा है ये वाला, इस पर क्लिक करके अपना फ़ोटो यहाँ से अपलोड कर लेना। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पहले फ़ोटो अपलोड करके। तो जैसे आप फोटो सेलेक्ट कर लेंगे गैलरी से तो ऐसे नाम आएगा, फिर आपको यहाँ अपलोड पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं अपलोड करके एक दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपका फोटो यहाँ पर अपलोड होकर आ जाएगा। वैसे ही अब आपको यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड कर लेना है और यहाँ पर अब आपको कुछ नहीं करना है। अब आपको यहाँ नीचे देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो सबसे पहले आपको ऐड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके ऐसे दो बना लेने होंगे और यहाँ पर आपको PDF फाइल अपलोड करनी है। ध्यान रखें कि आपका जो PDF फाइल है वो 300 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसका किसका PDF? आधार कार्ड का PDF और आपको पैन कार्ड का PDF। आप फोटो से अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच लेंगे अपने आधार कार्ड का आगे का और पीछे का, उसका PDF बना लेना और आपको अपने पैन कार्ड का PDF बना के आगे का केवल यहाँ पर अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पर हम वो काम कर लेते हैं फिर आपको आगे बताते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मेरा आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड हो गया, साथ ही में यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब जस्ट आपको इस सबमिट वाला जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे ये आपको एक बार आप बोलेगा कि आपको अपने आधार कार्ड का आगे का 8 अंक इंटर करना है। शुरुआत में ये आपसे 6 अंक इंटर करवाया था, अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड के आगे का 8 अंक इंटर करना है। तो चलिए हम इंटर कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पर हमने आगे का 8 अंक इंटर कर लिया है। अब आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल करके जाना है और आपको सारी चीज़ देख लेना है और यहाँ पर आपको सबसे बड़ी चीज़ ये मिला लेना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर ये इस पर टिक लगा होना चाहिए क्योंकि आप जन्म तिथि में बदलाव कर रहे हैं, तो ये इसीलिए यहाँ पर मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये आपको ऐसे नीचे स्क्रॉल करके आना है और आपको अपना सारा डिटेल मैच करवा लेना है। ठीक है, चलिए हम मैच करवा लिए हैं। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट भी देख लेना है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है और आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे अब दोस्तों यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा और यहाँ पर आप किसी भी तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेमेंट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको आई एग्री वाले पे क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको 107 रुपये का पेमेंट करना होगा। पे कन्फर्म पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर आप UPI आईडी चूज करके आप यहाँ पर सेलेक्ट UPI ऐप से भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका जितना भी मोबाइल में रहेगा एप्लीकेशन उसके ज़रिए आप यहाँ पर पेमेंट कर पाएंगे। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पर पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, टिक बन के आ चुका है और ये ऑटोमेटिक आप देखिए आपका पूरा का पूरा पेमेंट यहाँ पर सक्सेस अभी लिखा हुआ आएगा। तो यार वीडियो आपको पसंद आ रही थी पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाया जाता है। तो गजर अभी ऐसा पेज खुल के आया, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 1 मिनट कुछ नहीं करना है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुका है। अब आपको यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर टिक करना है, ये आपको टिक करने के बाद आपको यहाँ ऑथेंटिकेट वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐसा ऑप्शन आएगा OTP ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना होगा और यहाँ पर क्लिक करते ही फिर आपके सामने ऐसा ऑप्शन आएगा, आपके आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। आपको नीचे सबसे ऑप्शन दिख रहा है वहां पर OTP डाल के आपको सबमिट कर देना होगा। तो चलिए हम फटाफट से OTP इंटर कर लेते हैं, उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करते हैं। और जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे फिर आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा और वहां पर फिर आपको अपना पूरा का पूरा आधार नंबर डालोगे। यहाँ पर आपको कंटिन्यू विद ई साइन पे क्लिक करना होगा और थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग वेट करते हैं और यहाँ पर आपको आई हेयर बाय वाले पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डालना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है।
आधार नंबर एंटर करने के बाद सेंड ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए एंटर ओटीपी का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना ओटीपी डाल के वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लेना होगा। तो गाइस यहाँ पर हमने अपना ओटीपी इंटर कर लिया है सक्सेसफुली, आपको मैं दिखा दूँ थोड़ा सा यहाँ पर, और उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर लेना है। और जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको ये आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाएगा, और यहाँ पर अब आपका सक्सेसफुली जो पैन कार्ड में चेंजेस का रिक्वेस्ट है वो सेंड हो गया है, यानी कि आपने यहाँ पर करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट जो करी है वो हो गया है। अब आपको यहाँ डाउनलोड पीडीएफ पे क्लिक करके ये पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है, और इसका जो पासवर्ड होगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जो अगर आपने अपडेट किया होगा डेट ऑफ बर्थ तो आपका नया वाला डेट ऑफ बर्थ ही इसका पासवर्ड होगा। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ एक बार, इसका मैं पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। यहाँ पर गाइस आप देख पा रहे हैं कि हमने पासवर्ड एंटर कर लिया। अब इसको हम ओपन करते हैं, और जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपका फ़ोटो, आपका यहाँ पर सिग्नेचर, नाम और जो भी आप चीज़ें करेक्शन किए हैं पूरी की पूरी एक आपको इस तरीके से पेज खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं, लेकिन इसको प्रिंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपका ये जो पैन कार्ड है वो 5 से 6 दिनों में चेंज हो जाएगा, यानी कि उसमें करेक्शन हो जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पर भी मैसेज आएगा। उसके बाद दोस्तों 8 से 10 दिनों के अंदर आपके ये जो होम ऑफिस होगा, जो पोस्ट ऑफिस होगा, उसके जरिए आपके घर पर भेज दिया जाएगा। तो इसका स्टेटस चेक करने के लिए दोस्तों, अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि स्टेटस कैसे चेक करना है इसका। तो यार स्टेटस चेक करने के लिए आपको सर्च करना होगा यहाँ पर NHDL स्टेटस, या फिर आप लिख सकते हैं पैन कार्ड स्टेटस, तो इस तरीके से ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पर आपको पैन वाले पे क्लिक करके न्यू चेंजेस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है, और आपके PDF जो मिला होगा उसमें एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, वो यहाँ पर डाल के आपको कैप्चा इंटर करना है, और आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका सारा चीज़ खुल के आ जाएगा, करेक्शन हुआ या फिर नहीं, और वो अगर करेक्शन होने के बाद पोस्ट ऑफिस से भेजा गया है कि नहीं, तो यहाँ पर सब चीज़ें आ जाएंगी। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि इस वाले वीडियो में मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दी, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ और चीज़ें पूछनी हो, तो आप लोग हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वाले वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।